मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। नहीं, मेरे बच्चे की जान मत लो। कुछ साल बाद अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुम मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या था? प्लीज नेहा। अच्छा सुनो, मैं जैसे ऑफिस से बाहर निकला तो अल्ताफ के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया पैसों के लिए। मैं उन्हें कह रहा था मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं दे दूंगा, सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधा मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे कह सकते हो? तो फिर मैं कैसे कहूँ? और जब वो गुंडे तुम्हें पीट रहे थे तब तुम्हें वहाँ बचाने कोई नहीं आया? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। जैसे ही भावरा ने देखा वो आए, उनके साथ उनके तीन चार ड्राइवर दोस्त भी थे, वो भी दौड़ कर आए। अच्छा हुआ वो सब आए, हाँ, वरना आज मेरा बचना मुश्किल था। बाय द वे, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताओगे? भावराव हमें उनके गांव ले जा रहे हैं। उनका गांव यहाँ से दूर है, वहाँ हमें ढूंढते हुए कोई नहीं आएगा। और हाँ, मैंने अपने मोबाइल का सिम भी निकाल कर रख दिया है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। और ये गांव एग्जैक्टली कहाँ है? मेरा गांव बहुत दूर है, शहर से कोई भी वहाँ नहीं आता। आपके वहाँ होने की किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। डोंट वरी, ये मामला ठंडा होने के बाद हम वापस आ जाएंगे ना, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को? मैं कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम ऐसी छोटी मोटी बातों से डरने वाली नहीं हो, तुम हिम्मत वाली हो, इसलिए तो मुझे पसंद हो। अरे बाप रे। तुषार, और कितनी देर? आई थिंक मैडम हम बस पहुंचने ही वाले हैं, रास्ता जरा उबड़ खाबड़ है इसलिए धीरे चला रहा हूँ। हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे, अब आराम से चलाओ, ठीक है? हाँ सर। हम पहुंच चुके हैं, थक गई? चलो उतरो नीचे, आ जाओ। ये सारे खेत इनके ही हैं। भावराव, हाँ, हमें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी आपको, और 8 दिन मैं हूं ना आपके साथ, बिंदास रहिए यहाँ। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, सामान निकालो। हाँ चलो चलो, आप आइए ना मेरे साथ। हम्म,
चलो। साहब आप एक काम कीजिए, उस घर कह रहे हैं भूतनी के, किसे घूर रहा है, चल निकल यहां से। बात मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये पगला है हमारे गांव का, यूं ही भटकते रहता है। हाँ आप यहाँ बिंदास रहिए, आपको कोई भी नहीं पहचानता, समझ गए ना। आप एक काम कीजिए, ये सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, मिल जाएगा घर आपको। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। ये सामान रखिए आप, हाँ, दो। तब तक मैं गाड़ी ठिकाने लगा के आता हूँ। चलो आराम से चलना। ध्यान से कीचड़ है। अरे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। अच्छा है, टेंशन मत लो। तुषार हम अपना घर छोड़कर इतनी दूर इस अनजान जगह पे अनजान लोगों के बीच आ गए हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, भावराव को बहुत अरसे से जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। इतना भरोसा है कि मेरा 8वां महीना शुरू होते हुए भी तुम मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ लेकर आ गए, वो भी इस गन्ने के खेत में। जरा रुको। हाँ। आराम से। नेहा तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। हमारे अनाथालय के गेट पर पहली बार देखा था तुम्हें, कैसे घूर रहे थे तुम, मुझे याद है। तुम्हें देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। इतने पागल हो गए थे कि 3 दिन में मुझसे मेरा हाथ मांगने आ गए थे। कहीं तुम किसी और के साथ भाग जाती तो, लेकिन तुमने झट से मुझे हाँ कह दिया, हमारी शादी भी हो गई, तुम्हारे कोख में अब हमारा बच्चा पल रहा है। इस 1 साल में मैंने तुम्हें कोई भी तकलीफ दी है क्या? सच बताओ, जो दिल में है वो बोल दो। तुम्हारे साथ 1 साल कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला, और आगे भी पता नहीं चलेगा। ऐसा क्या? हाँ नहीं तो क्या, सच में? अरे आराम से, उल्टा मत चलो। और कितनी दूर चलना है? क्या पता। वो देखो सामने कुछ दिख रहा है, तुषार? हाँ। फिर तुम कौन हो? क्या अगर तुम तुषार हो तो फिर तुम तुषार नहीं हो, तुम बहरूपी हो। तुषार नेहा। तुम बहुत शैतान हो गए यार, रुको क्या, अभी दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे, पहले रास्ता तो दिखाओ। ठीक है सामान यही रख के जा रहा हूँ। हम यहां से आए थे, भावराव ने कहा था सीधे सीधे जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा, पर यहां तो सब एक जैसे हैं, जाना किस तरफ है? मुझे तो रास्ता मिल गया। अच्छा कैसे मिल गया? अरे वाह होशियार हो तुम। अब मैं क्या करता हूँ, आगे देख कर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो आराम करो जरा। मम्मी पापा बेबी को लेकर कहाँ आए हैं? पापा रास्ता ढूंढने गए हैं, ठीक है जल्दी लौट आएंगे।
घबराओ मत, हम लोग पापा को ढूंढने जाएंगे, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया नेहा, तुम ठीक हो ना? हाँ। वहां खड़े रहकर क्यों बात कर रहे हैं, आइए अंदर आइए। और आप? मैं भावराव की घरवाली तुलसा, उन्होंने बताया था मुझे कि आप दोनों आने वाले हैं। आपको प्रणाम। ठीक है ठीक है, रहने दो, अब मैं ही हूं इनकी देखभाल करने के लिए और इसकी भी। ठीक है, आइए अंदर आइए, आइए। चलो ना, ठीक से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आइए आइए बैठिए। मैडम वो प्लेट और कटोरी लेके आइए ना, और पानी के लिए लोटा भी लेके आइए। गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस बार बारिश काफी हाँ अच्छी रही। वाह, फसल अच्छी होगी ऐसा लग रहा है। ये लीजिए।
घर में कोई रहता है क्या? पहले हम ही रहते थे, 10-12 साल हो गए इसे छोड़े हुए। और उस बगल के रूम में? वो मैंने आते वक्त एक दरवाजा खुला हुआ देखा तो। वहां मेरा छोटा भाई रहता था, उसके जाने के बाद हमने यहां रहना छोड़ दिया। कहां गए वो? मर गए। वो सब्जी खाकर देखिए ना, गरम गरम है। हाँ। खाकर बताइए कैसी बनी है। अच्छी बनी है। तो अब ये घर बंद रहता है? अरे आप आए तभी तो घर खोला, नहीं तो क्या पता घर कभी खुलता भी कि नहीं। लेकिन यहाँ आसपास तो मुझे एक भी घर नहीं दिखा। और बाकी गांव वालों का क्या, वो कहाँ पर रहता है? सब लोग खेत के उस पार रहते हैं। गांव में क्या है पता है, सारे खेत आसपास होते हैं, चारों तरफ खेत ही खेत दिखता है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरा दिन मैं मैडम के साथ ही रहूंगी। ऐसी नाजुक हालत में कोई ना कोई साथ तो चाहिए। हाँ। वो क्या है ना, इंसान ही इंसान के काम आता है। आपके पति ने मेरे पति की बहुत मदद की है। अरे आप तो। मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। अरे अरे रोटी भी जल गई। थोड़ी नजर हटी और सब जलकर राख। खाओ, गरम गरम है। रात में चैन से सोना, किसी भी चीज की चिंता मत करना। चिंता बच्चे के लिए ठीक नहीं। हाँ, सुबह होते ही आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ चलिए। हाँ चल। चलो। ये गांव वाले भी ना अपनी पुरानी परंपरा और रीति रिवाज छोड़ते ही नहीं है ना। आज देखा तुमने, पति के खाने के बाद ही तुलसाबाई ने खाना खाया। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या है, हम कहां जिंदगी भर यहां रहेंगे। वो तो है, लेकिन कितनी आसानी से वो घुल मिल गई ना। और वैसे भी लोगों के साथ तुम जल्दी घुल मिल जाते हो, है ना। जानते हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? तुम बहुत जल्दी रिश्ते जोड़ते हो। मुझे भी कितने जल्दी अपना लिया तुमने। लेकिन तुम्हारी यही आदत ना कभी कभी तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। पापा तो सो गए, लेकिन मेरा बीबी तो अभी भी जग रहा है, मम्मी की सारी बातें सुन रहा है ना। चलो अब हम भी सोते हैं। बेबी को यहाँ के नए लोग कैसे लगे? भावराव, तुलसाबाई, कैसे लगे? अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं भरती हूँ ना। शहर में रहने वालों का काम नहीं है ये। अरे बाप रे, चोट तो बहुत लगी है आपको। शाम को आते वक्त चोट के लिए कुछ लेकर आऊंगी, लगा लेना। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, मामूली चोट है। चलिए साहब, आपको हमारा खेत दिखा के लाता हूँ। चलो चलो, मैं आता हूँ। जूते पहन के आता हूँ। हाँ पहन लीजिए, अभी आया। आता हूँ। और मैडम, रात को नींद आई कि नहीं? हाँ अच्छे से सो गई थी, नींद आने में थोड़ी देर लगी, लेकिन नई जगह है तो ऐसा होगा ही ना। हो जाएगी आदत एक दो दिन में। आदत क्यों होगी, तुषार ने कहा कि हम यहाँ से कुछ दिनों में चले जाएंगे। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे?
नहीं कुछ नहीं, हमारे यहाँ औरतें पति का नाम नहीं लेती। वो मुझे पहले से ही आदत है। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। तुलसा भाई, हाँ, मुझे भी आपका खेत देखना है। हाँ हाँ, चलो खेत देखना है ना। मैं सोच रहा हूँ कल घर जाकर वापस आऊँ। ऐसे कितने और दिन यहाँ पर छुपे रहेंगे, एक ना एक दिन तो वापस जाना ही पड़ेगा ना। पर मेरे हिसाब से पहले वहाँ का मामला ठंडा हो जाने दो, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। नहीं नया, हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते, मुझे जाना ही पड़ेगा। मतलब तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर जाओगे? तब तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। ये तुम क्या बोल रही हो, कुछ भी हो जाए हमारे बेटे को मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। और मेरा क्या? तुम्हारी चिंता है इसीलिए तो अकेले जा रहा हूं ना। तुम यहां तुलसा बाई के साथ रहोगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी। अरे पर वर कुछ नहीं यार, मैंने सब कुछ सोच लिया है, कल ही भावराव से बात कर लेता हूं, और ज्यादा दिन यहां रहना भी ठीक नहीं है। आता हूं अभी, आ जाओ। मैंने सब सोच लिया है, और हमारा क्यों? नेहा, अरे एक दिन की तो बात है, और परसों सुबह मैं वापस आ रहा हूं ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? नेहा सुनो ना प्लीज मेरी बात। अरे एक दिन की बात है नेहा, नेहा अरे आराम से आराम से।
माँ गुस्सा तो बच्चा भी गुस्सा, माँ दुखी तो बच्चा भी दुखी, माँ खुश तो बच्चा भी खुश, इस बात को गांठ बांध लो। आज ना मैं तुम्हारे बच्चे को एक कहानी सुनाऊंगी। अच्छा बच्चा, तुलसा दादी के मुंह से कहानी सुनेगा ना? सुनाऊं? हाँ बोल रहा है। हाँ कह रहा है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर हरे भरे लहराते पत्ते और रसीले फल नाजुक टहनियों पर झूलते थे। बहुत सुंदर दिखता था पेड़। पेड़ पर एक घोंसला था। घोंसले में कौआ अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक विषैला नाग पेड़ पे चढ़ के घोंसले के आसपास मंडराने लगा। सब कुछ बदल गया, पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, फल भी खराब हो गए, काला 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 पड़ गया पूरा पेड़। उस विषैले नाग की नजर हमेशा कौए के घोंसले पर रहती थी। कौए ने अंडा दिया और नाग ने निगल लिया। कौआ हमेशा चिंतित रहता था, पर एक दिन एक चिड़िया उस पेड़ पर आई। उसने भी अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया, छोटा सा अंडा भी दिया। कौए ने एक चाल चली, अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रख दिया और चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लिया। हमेशा की तरह नाग ने वो अंडा निगल लिया, पर कौए का अंडा बच गया। अंडे से छोटा सा बच्चा बाहर आया। कौआ अपने बच्चे के साथ चैन से रहने लगा। तुम मुझे मां नहीं समझती है ना? तो ये रख लो। लेकिन मेरा एक सवाल है। क्या? फिर असली कौवा कौन, कौवा या सांप? ये साड़ी पहनना बेटा। हाँ आज सच में आपने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ठीक है, अंदर जाकर तैयारी करो, तुम्हारे पति को कल सुबह निकलना है। जाओ। तुम हटो, मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ, थैंक यू। नेहा, मैंने थैंक यू कहा? अरे कब तक यूं मुंह लटका कर रहोगी तुम? मैंने कहा ना, सिर्फ एक दिन की बात है। अगर तुम ऐसे मुझे बाय बोलोगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा वहां पर? तुम बिंदास जाओ,
मेरी फिक्र मत करो, सुबह लगा था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन एक दिन तो मैं तुलसा बाई के साथ बिता ही सकती हूँ, है ना? करेक्ट है। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा ये छोटा सा बेबी तुम्हारी राह देख रहा है। अरे हाँ, बेटे के लिए तो पापा को आना ही पड़ेगा ना। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह बेटा बेटा मत किया करो। देखो, मुझे पूरी गारंटी है कि हमारे यहाँ बेटा ही होगा। जो भी होगा वो हमारा ही बच्चा होगा ना। हाँ। फिर चाहे लड़का हो या लड़की, समझे तुम? समझ गए ना? नहीं नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझा, तो जाओ। अरे यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कपड़े सुखा रही थी। तुम अंदर चलो, यहाँ धूप में खड़ी मत रहो। चलो चलो। अभी अभी तुमने जिसे देखा वो मेरी बहू है, मेरे बेटे की, प्रताप राव की बीवी लक्ष्मी। कई साल हो गए, खुशियां हमारे दरवाजे पे दस्तक दे ही रही थी। लक्ष्मी पेट से थी, हम सब बहुत खुश थे। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आठवें महीने में लक्ष्मी खेत से लौटते वक्त पैर फिसल कर गिर गई। गिरी तो गिरी, पेट के बल गिरी, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पेट काट कर मरा हुआ बच्चा निकालना पड़ा। लक्ष्मी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब से जो चुप्पी साध ली थी उसने आज तक किसी से बात नहीं की। सब खत्म हो गया। तो अभी आपका बेटा कहाँ रहता है? वो शहर में रहता है काम के लिए, कभी कभार आता है, लेकिन है क्या यहाँ जिसके लिए वो यहाँ आएगा? क्यों आएगा वो यहाँ? प्लीज आप ऐसे मत रोइए,
तुषार और मैं, हम दोनों भी आपके बच्चे जैसे ही हैं ना? और हमारा बच्चा आपका कुछ नहीं लगता? अब चूल्हा जलाऊं ना? लेकिन लकड़ियां कहाँ हैं? कब का बोला था लक्ष्मी को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाकर रखें, लेकिन नहीं। दिन भर कहाँ रहती है किसी को नहीं पता। एक दिन जान लेकर रहेगी हमारी, धरती पर बोझ बन चुकी है। कहाँ गई थी तू मरने? अब देख क्या रही है? रख नीचे, रख ना। आंखें फाड़ फाड़ कर किसे देख रही है? बाहर जा, बाहर जा, बोला ना तुझे? वहीं रुक, मैं आ रही हूं। हाँ? अब तुम किस सोच में गुम हो गई? उस कलमुही के? मत सोचो उसके बारे में। आ रही हूं, इंतजार नहीं होता क्या? वो क्या है ना, अपनी अपनी किस्मत होती है। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। तुम ज्यादा सोचो मत, हाँ, तुम्हारे बच्चे पर असर होगा। अरे रे रे, इस औरत को ना बात समझ ही नहीं आती है। एक बार तुझे कहा ना आ रही हूं। अच्छा सुनो, मैं जरा घर जाकर आती हूँ। हाँ, और हाँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सो जाऊंगी। चिंता मत करना, मेरे आने तक चूल्हे पर ध्यान रखना। हो गया है? हाँ, अभी आई। हे भगवान, लक्ष्मी बाई, तुलसा भाई कब का घर चली गई? वो यहां नहीं है, घर गई है।
अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, लेकिन यहाँ के बच्चे कितने बदमाश हैं। बच्चे क्या मतलब? चलो अंदर चलो। क्या हुआ? अंदर चलो चलो। लेकिन आपको क्या हुआ तुलसा बाई? बच्चे आए थे। कितने बच्चे थे? अकेला ही था। तुम्हारे पास आया था वो? नहीं, दूर से भाग गया। देखो तुम उसके पास मत जाना, ठीक है? आज अकेला आया था, कल दो और को साथ लाएगा। तुम उनसे दूर ही रहना। हाँ, कितना प्यारा बच्चा था वो, और उसे मेरे साथ खेलना भी था। भला मैं उससे क्यों दूर रहूं तुलसा भाई? देखो तुम्हें एक बार कहा ना मैंने उन बच्चों से दूर रहने के लिए। देखो तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस वक्त नहीं है मेरे पास। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो, उन बच्चों से दूर ही रहना, समझे? मुझे नींद आ रही है। हाँ जाओ 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 सो जाओ। आप सोई नहीं अब तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे। तुम सो जाओ, सो जाओ। रात भर आप ठीक से सोई नहीं? एक दो बार मेरी आंख खुली तब देखा कि आप जग रही थी। कल रात आंख लगी नहीं मेरी, नींद आई ही नहीं। और तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? आजा। तू बार बार मुंह उठाकर यहां क्यों आ जाती है? क्या काम है तेरा यहां पर? हाँ जा। ले ले। जाओ जरा बताओ उसे कि खेत के सारे काम निपटा ले। बोल देना कि मैंने कहा है। दिन भर घूमती रहती है। अरे ए अरे तू भी आ जाना खेले यहाँ।
रोज नया ये खेल होगा, आ जाओ खेलेंगे साथ यहाँ। कहाँ भाग रहे हो? अरे अरे रुको, कहाँ छुप रहे हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये तुम्हें वो शैतान ने दिया है? हाँ, उन बच्चों ने। बच्चे बच्चे, कितनी बार कहा है तुम्हें उन बच्चों से दूर रहना तुम? और ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है, एक बार कहने से समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, लाओ दो मुझे। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए है ना? बस बहुत हो गया, ये सब जो है ना वो आपका नाटक है। लक्ष्मी के साथ जैसा पेश आती है ना, वही आपका असली रूप है। क्यों बेवजह मेरी परवाह करने का दिखावा कर रही हो? अरे अचानक तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मनहूस औरत है वो, बांझ है, बांझ। एक मिनट, मैं ना ये फालतू के रीति रिवाज बिल्कुल नहीं मानती। मेरे लिए वो सिर्फ एक औरत है। एक बात कहूँ, ये तुम्हारी शहरों वाली गिटपिट गिटपिट बातें है ना, मेरे साथ नहीं चलेगी, समझी क्या? बच्चा होने दे, फिर समझेगी। क्या क्या समझूंगी मैं? बोलिए ना, क्या समझूंगी मैं? तुम्हारे पति को तो बेटा चाहिए। आपको किसने बताया? सब पता है मुझे। और बताऊं, तुम्हारे पेट में ना लड़का नहीं, लड़की है, लड़की, वो भी पता है मुझे। अब आप बकवास कर रही हैं। बकवास नहीं है, हम गांव देहात की रहने वाली औरतें गर्भवती औरतों की हाव भाव देखकर सब समझ जाती हैं, और अंदाजा गलत नहीं होता। लेकिन सच में तुम्हारे पति को पता चल गया कि लड़का नहीं लड़की है, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। छे, कितनी पिछड़ी हुई और पुराने जमाने की सोच है आपकी, इस बनावटी दुनिया से बाहर आइए। मैं नहीं, तुम जी रही हो बनावटी दुनिया में। तुम अभी नहीं समझोगी, मैं जो कह रही हूं ना, बच्चा होने दो।
सब कुछ समझ जाओगी तुम। नेहा, सुन रही हो? बाहर आओ, दोने वाले खा लो। चलो अब गुस्सा छोड़ो और आ जाओ। तुम्हारे पापा यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, फिर तुम्हें और मुझे यहाँ से दूर लेकर जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेबी। नेहा सुन रही हो? आ जाओ बेटा बाहर। तू भी आना खेलने यहाँ, रोज नया खेल लुका। खेलने आना यहाँ। आ गया बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अरे तुम्हारा जख्म तो भर गया। मेरा दिया हुआ ले काम कर गया। ये जख्म भी भर जाएगा। तुषार, अरे आराम से। अरे क्या हो गया नेहा? मैंने मेरे घर में इसे पनाह दी, खुद की बेटी की तरह रखा, फिर भी ये लड़की मुझे ही बुरा भला बोलती रहती है। कितना झूठ बोल रही है। अरे झूठी है ये औरत। क्या मैं झूठी हूँ? वारे वारे वाह, मैं ही झूठी हूँ। गलती हो गई मुझसे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना ना, गलती हो गई मुझसे। तुषार इस पर भरोसा मत करना, ये औरत नाटक कर रही है। नेहा तुम पहले शांत हो जाओ। एक तो इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और ये तुम क्या बोल रही हो इनके बारे में? माफी मांगो इनसे। नहीं नेहा, मैंने कहा माफी मांगो इनसे। नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जाने दे बेटा, भूल जा। मैं तुम पर गुस्सा करूंगी? ऐसा कभी हो सकता है भला? अपनी बेटी माना है ना तुझे। ठीक है अब चलती हूँ। हाँ। तुम दोनों राजा रानी की तरह मीठी मीठी बातें करो। हाँ। और मेरी प्यारी बच्ची। संभल कर जाना। ठीक है चलो चलो। इसके बहकावे में मत आना तुषार, बहुत अजीब औरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? जो महसूस हो रहा है वही बता रही हूँ मैं, ऐसे ही ध्यान नहीं रख रही है मेरा। तुम्हें पता है 24 घंटे मुझ पर नजर रख रही है वो। क्या? उसकी बहू को बच्चा नहीं हो सकता ना, इसलिए उसे हमारा बच्चा चाहिए। इस तुलसा भाई को? हाँ हाँ तुलसा भाई को। तुषार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, हम यहाँ से चलते हैं ना। अच्छा सुनो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, पर मुझे यहाँ नहीं रहना, सच में प्लीज तुषार मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं पागल हो जाऊंगी। सुनो मेरी बात, सुनो नेहा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम्हें कोई बात से डर नहीं लगता है, तो अब क्या हुआ है, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो आराम से और शांत हो जाओ। डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब। बाहर खड़े रहकर वो हमारी सारी बातें सुन रही है। कौन है बाहर? खुद देख लो, कोई नहीं है बाहर। तुम ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? मैं फालतू बकवास नहीं कर रही हूँ तुषार, मैंने खुद लक्ष्मी और उन बच्चों को देखा है। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है तुषार, प्लीज बैग पैक करो तुषार, यहाँ से चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, हम चलेंगे, तुम घबराओ मत, ठीक है? हम चलेंगे ना। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो आ जाओ आराम से, आराम से। तुषार, 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 तुषार।
बहुत साल पहले की बात है, इनके छोटे भाई की, केदार राव की, एक लड़की से हमने उसकी शादी करा दी। नाम था कावेरी, लेकिन पक्की चुड़ैल थी वो चुड़ैल। उस चुड़ैल के कदम जिस दिन मेरे घर में पड़े, मेरे सोने जैसे घर को तो जैसे नजर लग गई। जानती हो, एक नहीं, दो नहीं, चार, चार चार बेटे थे मेरे, तीन छोटे और बड़ा वाला प्रताप राव। वो चुड़ैल जब से घर में आई, उसने मेरे तीनों बच्चों पर जैसे जादू टोना कर दिया। मेरे बच्चे जैसे पागल हो गए, मेरे ही खिलाफ मेरे बच्चों के कान भरती थी। मेरे बच्चे मुझसे दूर होते चले गए, मेरे तीनों बच्चे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। वो पेट से रही। मैंने सोचा अच्छा हुआ, एक बार इसे बच्चा हुआ तो मेरे बच्चे मेरे पास लौट आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। मैंने केदार राव से विनती की, उन्हें सब कुछ बताया, उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो चुड़ैल सुनने को तैयारी नहीं थी, जिद छोड़ी नहीं रही थी। पति पत्नी में कलेश हो गया बहुत बड़ा। तब उसने केदार राव का चाकू से खून कर दिया। जब हमने केदार राव की चीख सुनी तो हम सब दौड़कर खेत की ओर गए। मैंने कहा, अरे चुड़ैल, कांड कर दिया ना तूने, तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी। अब क्या बताऊं तुझे मैं। उसने केदार राव के खून से लथपथ छुरा उठाया और खुद के पेट के ऊपर से सर करके फेर लिया। हम सब दंग रह गए। हम उसे पकड़ने गए तो जानती हो क्या किया, तो उसी छुरे से उसने अपना गला काट लिया। कावेरी गई, पर इस घर से उसका काला साया कहीं नहीं गया। वो तो गई, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी पागलों की तरह करने लगे, उसके साथ खेतों में खेलने की बातें करने लगे। एक दिन जब आग खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे तीनों बच्चे फूल से बच्चों को उस चुड़ैल ने कुएं में धकेल कर मार डाला। बड़ा बेटा प्रताप राव और प्रताप राव की पत्नी लक्ष्मी, उसे जब आठवां महीना लगा तभी से मेरे तीनों बच्चे और कावेरी उसे दिखने लगी। वो भी पागल जैसी हो गई और उसने भी अपने पेट पर छुरा घुमा लिया। मेरे बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं गया। दो बार मैंने उसकी शादी करवाई, दोनों बार आठवां महीना लगते ही उस चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया। मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने फिर से प्रताप राव की शादी करवाई और उसे दूर शहर में भेज दिया। मुझे तांत्रिक ने बताया था, जब भी कोई गर्भवती औरत इस घर में 3 दिन 3 रात बिताएगी और बच्चे को जिंदा रखेगी, तभी कावेरी का साया इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ईश्वर की लीला देख, तुषार और तू दोनों इस घर में आ गए। और जानती हो, मेरे प्रताप राव की बीवी पेट से है, वहां शहर में। तूने यहां रहकर अपने बच्चे को जिंदा रखा और उस चुड़ैल के साये से बचाया, तो फिर मेरे घर के ऊपर से, मेरे बच्चे के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए दूर होगा। मेरे वंश को भी वारिस मिलेगा, मैं भी दादी बनूंगी।
तू माँ है, मैं भी हूं। ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूं। तू यहां रहकर उस चुड़ैल के साय से अपने बच्चे को बचा के रख। मेरे घर से उसका काला साया हटा दे। अगर भागने की कोशिश की ना, मेरा प्रताप तुझे छोड़ेगा नहीं। याद रखना, और एक बात, तू जो वो गाना गाती है ना, वो कभी गाना मत। कावेरी मेरे बच्चों के लिए वही गाना गाती थी, आज भी गाती है वो। आती हूं मैं, अपना ख्याल रखना। मैंने छोटी लड़की कभी नहीं देखी। कैसी होती है छोटी बच्ची, बताओ ना, बता क्यों नहीं रही हो तुम?
चाची कहती है छोटी बच्चियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। खूबसूरत आंखें, लंबे बाल और प्यारी सी हंसी। लड़कियां नाजुक होती हैं क्या? तुम्हारे पेट में लड़की है ना? वो उसे भी लेकर जाएंगे, लेकिन तुम घबराना मत। हम है ना? एक ही खेल लुका। चाची आ गई, चलो हमारे साथ खेल ले। नया खेल लुका छुपी का, मां तू भी खेलने आना यहाँ। कोई वहम है, ये सच नहीं हो सकता। तुलसा बाई ने कहा था तुम्हें बच्चे तो दिखेंगे, लेकिन वो सब वहम होगा। ये वहम है, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम डरना मत बेबी, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। Ah!
मानी नहीं वो। हिम्मत तो देखो उसकी, भागने की कोशिश करती है। ढूंढो उसे, ढूंढो जल्दी। देख देख उस कमरे में तो नहीं है। यही गई होगी। जाओ घासलेट लेकर आओ। अरे देख उस तरफ देख। जलाई दे सब होगी वो। सब कुछ जला के खाक कर दे। घासलेट डालकर जला दूंगी। हाँ। बहुत सताया है। कोने में देख। देख 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 कोने में। वो कमी नहीं ही नहीं होगी। अरे वो देख वो। यही पर है। यही पर है। बाहर लेकर आओ। छुपने की कोशिश कर रही थी। अब तो क्या करना है? लाओ उसे इधर। चला दो उसको। चलो अब सब रुक जाओ, मैं आ रही हूँ ढूंढने। देखो मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। खेल है ये नुक्का छुपी का, तू भी आ जा रहा खेले यहाँ। रोज नया ये खेल होगा, आ जाओ खेलेंगे साथ यहाँ। रोज नया ये खेल होगा, आ जाओ खेलेंगे साथ नया ये खेल हो, ये खेल हो, खेल हो, खेल हो, खेल हो, खेल हो, खेल हो, खेल हो। लक्ष्मी,
नहीं। इन सब बातों का कोई तो मतलब जरूर है। चाची बुला रही है। तुम्हारे पेट में लड़की है ना? कैसे दिखती है छोटी लड़कियां? छोटी लड़कियां बहुत सुंदर दिखती हैं। खूबसूरत आंखें, लंबे बाल और छोटियां। हंसती भी बहुत प्यारी है। लेकिन छोटी बच्चियां बहुत नाजुक होती हैं। लेकिन वो उसे ले जाएंगे ना? अरे लेकिन मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरी बेटी को। घबराओ मत, हम है ना। मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। तो खेलेंगे ना? हम सब खेलेंगे। आओ देवर जी, खुद ही देख लो। हाँ, इतनी बार समझा कर भी कोई फायदा नहीं। लो देख लो कैसे लेकर बैठी है मेरे बच्चों को। मैंने बताया था ना आपको, देखो। क्यों रे, मैंने बताया था ना तुझे, तेरी बेटी को लेकर जाना ही होगा। हमारे खानदान की परंपरा है ये, कई पुश्तों से चली आ रही पुरानी रीत है ये। क्यों इन बच्चों को उल्टा सीधा सिखा रही है? तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? हाँ, खुद तो बेटी को जनने वाली है और मेरे लड़कों को सिखा रही है। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक से सबक सिखाओ इसे, नहीं तो इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। नहीं, हाँ, अब बातों से नहीं समझेगी, इसे लातों से समझाता हूँ। बताता हूँ मैं तुझे। बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं। तुषार, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। ये लोग अच्छे नहीं है, ये मेरी बच्ची है, मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती।
मैं उसे नहीं खो सकती। ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं अपनी बच्ची नहीं खो सकती। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। नहीं दूंगी मैं अपनी बच्ची को। ये मेरी बच्ची है। तुषार, उस कावेरी के पति ने ना बहुत बुरा किया। वो बेचारे बच्चे कुएं में कूद गए। बहुत डर लग रहा है तुषार। ये घर बहुत डरावना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे डर मत, 3 दिन बीत गए, तू बच गई और तेरी बेटी भी बच गई। मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? अरे है, मेरे प्रताप के साथ खेल रही है। जा, जाकर देख जरा, जा। पहली और आखिरी बार। चलो, मतलब इस बार भी फसल अच्छी होने वाली है। ए पकड़ उसे। हाँ। मेरी बच्ची। ए ज्यादा बच्चा बच्चा मत कर समझे। मेरी बच्ची के पास जाने दो। चुप। प्रताप राव, ये परंपरा यूं ही चलती रहनी चाहिए। जा, मेरी बच्ची है उसके पास, छोड़ो। जा, मेरी बच्ची। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची। Thank you.
मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी मैं अपने बच्चे को। नेहा, कैसी हो तुम? मुझे अभी छोड़ा है इन लोगों ने। पिछले 3 दिन मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ। तुम्हें और हमारे बच्चे को देखा तब मेरे जान में जान आई। नेहा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? आराम से क्या हुआ बताओ। उस दिन आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी ना, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, आपकी कहानी अधूरी थी और मेरी पूरी है। आपकी कहानी झूठी थी, मेरी सच्ची है। कौन सी कहानी नेहा, तुम क्या बोल रही हो? इस घर के लोगों ने अपनी बहू को उसके 8वें महीने में जिंदा जलाकर मार डाला। नहीं नहीं, ये सब कुछ बकवास है। बकवास? बकवास तो आपकी प्रथा है जो औरतों को गुलाम बनाती है। अच्छी फसल उगे इसलिए छोटी मासूम बच्चियों की बलि चढ़ाई जाती है जो आपने चढ़ाई है। अरे हमारी रीति रिवाज परंपरा तुम क्या समझोगी भला, उन्हीं के सहारे तो जीते हैं हम लोग। कहते हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तुम्हारी जैसी औरतें अपने स्वार्थ के लिए मासूम बच्चियों का खून भी कर सकती हैं। ओ मैडम, इसे खून नहीं कहते हैं, परंपरा कहते हैं। बच्ची की भेंट हमें देनी ही पड़ती है, भगवान के लिए इतना सा त्याग करना ही पड़ता है। त्याग? हाँ। त्याग जैसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो। नहीं तो मेरा भी मुंह बंद कर दोगे जैसे कावेरी और बाकियों का किया है। कावेरी को जिंदा जला दिया तुम लोगों ने। अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती रही लेकिन 3 दिन तक उसे देखने कोई नहीं आया। वो तो मर गई लेकिन उसकी कहानी अब तक जिंदा है। उसकी आत्मा ने अपनी सच्चाई यहां आने वाली हर एक गर्भवती औरत को उसके 8वें महीने में बताने की कोशिश की लेकिन उसका दर्द किसी ने नहीं समझा। अरे कौन सा दर्द, काय का दर्द है? और क्या गलत किया हमने? उसने मेरे भाई का खून किया था, उसे ऐसे ही जाने देते क्या हम? और हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे केदार राव का खून करते हुए। आंखों को वहम भी हो सकता है तुलसा भाई। वहम? पर कावेरी ने इन 3 दिनों में अपने तरीके से मुझे सच बताया है। तेरी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इतने सालों की परंपरा वो भी नहीं मानती। मैं सिर्फ हमारी बच्ची को बचा रही हूँ। आज तो हद ही पार कर दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खा ले रोटी को मैं तेरी। रुक जा, रुक जा। ए लड़को, तुम लोग अच्छे से देख लो, हमारी इज्जत और परंपरा के आड़े जो आएगा उसे ऐसे सबक सिखाते हैं। कितने नाटक सहूं तेरे और कितना झेलू तुझे, तेरी वजह से भैया भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया।
अच्छा मारने वाली है तू मुझे? मार 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 मार। मेरी बेटी की जान मत लो, मत मारो मेरी बेटी को। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, देख कैसे अर्थे उठाता हूँ तेरी। छोड़ मुझे। भागो 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 यहाँ से। हे भगवान, चुड़ैल, ये क्या कर दिया तूने? अपने पति की ही जान ले ली? हाँ? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कैसे भरोसा करूं मैं तेरा? हाँ, अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यकीन कीजिए, किसने अपने पति का ही खून कर दिया? तुम्हारी गलत फहमी की वजह से सबने कावेरी की जान ले ली। अरे फिर मेरे तीन बच्चों को उसने मारा, उसका क्या? यहाँ आने वाली हर गर्भवती औरत की जान ली उसने, उसका क्या? झूठ है, ये सब झूठ है। उसने सिर्फ आपका वंश आगे नहीं बढ़ने दिया, यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को आपके गंदे संस्कारों और घटिया परंपराओं से मुक्त किया है। और हाँ, बच्चों का खून उसने नहीं, आप लोगों ने किया। कावेरी की बलि मैं नहीं सुलझा पाती तो मेरी भी बलि चढ़ जाती। कावेरी, ऐसा मत करो कावेरी। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तड़प कोई नहीं समझ पाया। मुझे सारा सच पता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। कावेरी, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर आज तुमने मेरे बच्चे की जान ली ना, तो फिर से एक माँ के साथ अन्याय होगा। और मैं जानती हूँ तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो। मेरे बच्चे को मत मारो कावेरी, मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो कावेरी। कावेरी, तुम्हारे गुनहगारों को जब तक सजा नहीं मिलती तब तक मैं अपने बच्चे का नाम नहीं रखूंगी। मेरी और मेरे बच्चे की मदद करो कावेरी। कावेरी, मेरे बच्चे को मत मारो कावेरी। कावेरी, तुम्हें अपने बच्चे की कसम है कावेरी। मुझे अब तुम लोगों से डर नहीं लगता, जंगली जानवर हो तुम लोग। ए, अपना मुंह बंद रखने का, अपनी औकात में रहने का। औरत को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। औरत एक माँ भी होती है, ये मत भूलो। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे तू भूल जा। इन तीन दिनों में मेरे घर से, मेरे बच्चों के सर से मंडराने वाला काला साया हट चुका है। तू यहीं पर रह हमारे साथ, हम एक साथ खुश रहेंगे। मेरे वंश को बढ़ने दे। तू अगर मेरी बात नहीं मानी तो ना चाहते हुए भी हमें तुझे भी मारना पड़ेगा। तुम सिर्फ जान ले सकती हो, इन सब में से सिर्फ लक्ष्मी बच गई क्योंकि उसने खुद अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या हुआ, औरत के मुंह से ऐसा कुछ सुनने की आदत नहीं है क्या? क्या करोगे अब? अपने बेटे को मुझे मारने को कहोगे? हाँ हाँ, क्यों तुषार? तुषार, सही बोला तूने, अब और नहीं बोला। रुक! चाहती तो मैं कल ही यहां से निकल गई होती,
लेकिन तुम लोगों को तुम्हारे पापों का एहसास दिलाना था। और सबसे जरूरी बात तुषार, नहीं नहीं प्रताप राव, मैंने तुम्हारे जैसा नामर्द पूरी दुनिया में नहीं देखा। ये बच्चा जन्म लेगा पर मैं उसे तुम्हारी तरह नहीं होने दूंगी। Hey! आ जाओगी? पकड़ उसे! जाने मत दे! खत्म कर दे आज! छोड़ ना मत उसे! क्या कर दिया? स्त्री भ्रूण हत्या भारत में दर्ज न होने वाले अग्रिम गुनाहों में से एक है, जिस कारण भारत हर वर्ष 30 लाख बेटियों को खो देता है। विश्व में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। Thank you.